नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। मोदी सरकार ने जब से जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया है, तभी से पाकिस्तान चीख चिल्ला रहा है। तो वहीं भारत में कुछ विपक्षी पार्टियां भी मोदी सरकार के फैसले के विरोध में खड़ी हैं। मोदी सरकार कह रही है घाटी में शांति है, लेकिन फिर कांग्रेस समेत बाकी विपक्षी पार्टियां सबूत लेने के लिए शनिवार को जम्मू कश्मीर पहुंच गईं, जहां उन्हें एयरपोर्ट पर ही रोक दिया गया। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी तो रोके जाने पर अधिकारी से ही बहस करने लगे। मुझे इनवाइट किया है तो मैं आया हूँ, फिर आप कह रहे कि नहीं आ सकते हैं, तो दैट इज अ बिट एंड गवर्नमेंट इज सेइंग दैट एवरीथिंग इज ओके हियर, एवरीथिंग इज नॉर्मल। सो इफ एवरीथिंग इज नॉर्मल देन व्हाई आर वी नॉट अलाउड आउट? इट्स अ बिट सरप्राइजिंग। आई मीन वी आर नॉट गोइंग, वी वांट टू गो टू द एनी एरिया व्हिच इज पीसफुल, टॉक टू 5 10 15 पीपल, दैट्स ऑल, वी डोंट वांट टू डू एनीथिंग मोर। And if it's 144, then I'm ready to go individually. I don't even, you know. Yeah, everybody will go individually. We don't even have to go. श्रीनगर एयरपोर्ट से वापस भेजे जाने के बाद राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि राज्य प्रशासन के इस कदम ने साबित कर दिया कि जम्मू कश्मीर में कानून व्यवस्था सामान्य नहीं है। तनाव भरे माहौल के बावजूद जम्मू कश्मीर जाने की जिद पर अड़े राहुल गांधी अपनी सियासी यात्रा की वजह से बीजेपी के निशाने पर आ गए, तो वहीं पाकिस्तान जमकर राहुल गांधी पर प्यार बरसा रहा है। दिल्ली बीजेपी प्रवक्ता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा ने ट्वीट कर कहा कि जब 5 लाख कश्मीरी पंडितों को निकाला गया था, उनकी बहन बेटियों के साथ बलात्कार किए गए थे, कितने कांग्रेसी नेता वामपंथी कश्मीर देखने गए थे, आज ये इसलिए जा रहे हैं क्योंकि इनका धंधा बंद हो रहा है, पाकिस्तान की दलाली करनी है इन्हें, देश इन देश द्रोहियों को कभी माफ नहीं करने वाला। प्रशांत पटेल उमराव नाम के ट्विटर यूजर ने पूछा है कि इतिहास के पन्ने पलट कर बताइए कि जब गोधरा में ट्रेन जली थी तो कश्मीर पर्यटन करने गए नेताओं में से कौन जली बोगी को देखने गया था? वामपंथी दलों के साथ कश्मीर देखने की इच्छा रखने वाले राहुल गांधी श्रीनगर से लौटाए गए तो पाकिस्तान को सबसे ज्यादा खुशी हुई है, क्योंकि विपक्षी नेताओं को लौटाए जाने की वजह से उसे कश्मीर मुद्दे पर भारत को घेरने का मौका जो मिल गया। पाकिस्तान सरकार के मंत्री चौधरी फवाद हुसैन ने ट्वीट कर कहा कि मोतीलाल नेहरू के महान पर पोते जवाहरलाल नेहरू के पोते भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को अपने पूर्वजों के घर कश्मीर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी गई। ये दिखाता है कि आरएसएस और नाजी दार्शनिक ने किस तरह कब्जा कर लिया है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने भी ट्वीट कर कहा कि राहुल गांधी समेत विपक्षी नेताओं के प्रतिनिधिमंडल को कश्मीर जाने से रोक दिया गया, जिससे उन्हें भारतीय अधिकृत जम्मू कश्मीर के श्रीनगर हवाई अड्डे से लौटना पड़ा, जो वहाँ के हालात पर प्रकाश डालता है। पाकिस्तान मांग करता है कि भारत आईओके में अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षकों और मीडिया को जाने की अनुमति दे। पाकिस्तानी पत्रकार मेहर तरार ने भी ट्वीट कर कहा, मोदी के भारत में राहुल गांधी को भी कश्मीर में नहीं जाने दिया गया, यहां तक कि भारत के 3 प्रधानमंत्री के बेटे, पोते और परपोते को भी नहीं जाने दिया गया। बता दें, राहुल गांधी के साथ श्रीनगर पहुंचने वाले विपक्षी नेताओं के प्रतिनिधिमंडल में डी राजा, शरद यादव, माजिद मेमन और मनोज झा भी शामिल थे। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी और अन्य कांग्रेसी नेताओं को श्रीनगर एयरपोर्ट से बाहर निकलने की अनुमति नहीं थी। जम्मू और कश्मीर प्रशासन ने राहुल गांधी के दौरे पर आपत्ति जताई और कहा था कि हम लोगों को आतंकवाद से बचाने में जुटे हैं, नेताओं के दौरे से जम्मू कश्मीर के लोगों को परेशानी होगी। बता दें, कांग्रेस, सपा, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी समेत कई विपक्षी पार्टियां जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के विरोध में थे, तो वहीं कांग्रेस के ही ज्योतिरादित्य सिंधिया, दीपेंद्र हुड्डा, भूपेंद्र हुड्डा, जनार्दन द्विवेदी जैसे कई नेताओं ने इस मुद्दे पर मोदी सरकार का साथ दिया। So I call upon Sri Amit Shah to move for leave to introduce Jammu Kashmir Reservation Second Amendment Bill. Please. I have already said it. Sabhapati Mahoday. Yes. Please, bait jaiye, yadra wo record mein nahi jayega. जम्मू कश्मीर वो भी कर्फ्यू के अंदर है, कश्मीर कर्फ्यू के अंदर है, और दूसरी पार्टियों के लीडर्स सभी हाउस अरेस्ट थे और पूरे
स्टेट में एक ऐसा वातावरण जैसे वार सिचुएशन है उसको सबसे पहले उसमें चर्चा करनी चाहिए। ये बिल के साथ पास करेंगे, तीन बिल सारे बिल को हम पास करेंगे, तीन बिल सारे चर्चा करेंगे, एक रेजोल्यूशन भी आ रहे हैं, ये सभी विषय जो ये सभी विषय उसके साथ की नोटिस हमने दी है, चर्चा कर सकते हैं। सभापति महोदय, मेरा ये कहना है, सभापति महोदय, मेरा ये कहना है, सभापति महोदय, जम्मू कश्मीर के लिए जो कुछ भी चर्चा करनी हो विपक्ष के नेता को और समूह को और सत्ताधारी पार्टी के लोग सब पर मैं तैयार हूँ, सब चीजों का मैं जवाब देने के लिए भी तैयार हूँ और डिटेल आप मुतमईन ना हो मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ, मगर मैं जो नो डिस्प्ले ऑफ बैनर प्लीज। गुलाम नबी जी सुनिए, बोथ ऑफ यूर important members, you can protest, that is not the way. Home minister, nothing else will go on record except home minister. He is saying he is ready to answer. What is your problem? Please. No, I have already given my ruling on this. What is the point of order? What is the rule? No, please, not every day. Every day it's not happening. Please. You can't speak without my permission, Sri Madhusudan Mistri ji. आप वरिष्ठ है, कृपया बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, पुनिया जी बैठ जाइए, what is the rule? Sir, point of order. Everything will come for discussion. But what can I do? You are all friends. Sir, my point of order is on rule 69. Sir, Rule 69 allows the chairman to use his discretionary power to introduce a bill on the same day without circulating it, without members reading it. It allows you the power, sir. It allows you the power. I have no quibble on that. Sir, my simple point is, sir, but the rest of the 69, 1, 2, 3, 4, and the first four lines, sir, on that I appeal to you, sir, to please, when these bills are circulated, please allow us the time to read these bills, to understand these bills. For example, this is a good bill. Right. But when we are not given the time, sir, I appeal to you. You have the power to circumvent all. But we feel deprived, sir. I got your point. I respond. You, I got your point. There is a reason. I do admit that members need time to read it. So even after the minister introduced the bill, the members will be given an opportunity to give amendments up to 12:30 today. Any member on any bill, they can give amendments. Then there will be also time available to you even to study also before you speak. That arrangement has been made and I am saying it officially, it will go on record. Members can, once the bill is introduced, members can move amendments and also start applying their mind. Because we have only 2 days left, so we have to understand the importance. Aapka reader ne bola, Dora ji, aap kyo yaar? He is capable. I heard him and also have taken it positively. So it's not, Anand ji, it's not only that bill. There are two bills and one resolution also. Once they come before you, then you start reacting on that. लेकिन 267 जो हमने नोटिस दी है उसका भी जवाब होगा कश्मीर में, उसको 1-1.5 घंटे में डिस्पोज आप करिए, माननीय गृहमंत्री मुझे 5 मिनट सुनिए और हम बिल ले लेंगे। नहीं नहीं, गुलाम नबी साहब मुझे 5 मिनट रूलिंग देने के बाद फिर चर्चा नहीं होगा, 5 मिनट सुनिए प्लीज। यू आर द लीडर ऑफ द अपोजिशन, यू आर वेल अवेयर ऑफ द रूल्स, यू रेज्ड अ रेलेवेंट पॉइंट, इट्स इंपॉर्टेंट, कंट्री इज ऑल्सो taking note of the same, what is happening and all, it is the duty of the government to explain to the house. The home minister told me that he is going to explain it and he says now itself he is going to explain it. Let us first hear him and let the bill also be moved and then we discuss. Please, bhai jai, you know, aap bhai jai, please, kupaya, aap bhai jai, Sri Amit Shah, honorable home minister, nothing else will go on the card other than home minister. Other than Home Minister, nothing else will not go. सभापति महोदय, शिवाजी प्रेस बैठिए, रंगराजन प्रेस सिट डाउन। मैं आज जो रिवाइज अपना बिजनेस का लिस्ट है उसके अंदर आपने मुझे व्यवस्था दी है कि मैं दो संकल्प और एक बिल, जो प्रिंटेड बिल रिवाइज रूल बिजनेस के अलावे मैं प्रस्तुत करूं।
मैं चारों चीजें एक साथ प्रस्तुत करूंगा, इस पर डिटेल से चर्चा करेंगे और उसके बाद में मैं जवाब भी दूंगा और चारों पर एक के बाद एक के बाद एक कर कर डिवीजन करना है तो डिवीजन, मगर मुझे भरोसा है कि चारों चीजें पर एक सहमति हो जाएगी